दोस्तों हमारी ड्यूटी रात में ज़्यादा है, क्योंकि ये आज मेरे यहाँ जो है इसराहे में पार्टी है। दोस्तों आज मेरी ड्यूटी रात में लग गई है। अभी ये मैं इसराहे में आया हूँ, जो ये गेट दिख रहा है ये इसराहा का गेट है। इधर मैं मैडम लोग को छोड़ दिया हूँ, लेफ्ट साइड में जेंट्स लोग कहता है, तो मैं जा रहा हूँ जेंट्स वाले में, वहीं पे अंदर बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूँ इमरान, इमरान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं इस तरह रात में पार्टी थी इस तरह में, तो वहाँ से बहुत लेट आया था और अभी मैं सो के उठ रहा हूँ। अभी मेरी ड्यूटी फिर लग गई है, वो जो सामान था किचन वाले के यहाँ उसको देने के लिए जाना है। अभी मैं सामान देने जा रहा हूँ। सब जो बर्तन है सारा, इसी बर्तन में खाना आया था, मैं वही खाना देने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों आज मेरी ड्यूटी ये रात में लग गई है। मैं अभी इस तरह में मैडम लोग को आया हूँ। इधर मैं ये जो इस तरह दिख रहा है इसी में इस तरह में छोड़ा हूँ मैडम लोग को, मैं इधर छोड़ दिया हूँ। ये लेडीज़ का इस तरह है, अपने यहाँ गेस्ट हाउस बोलते हैं, आरबी में इस तरह बोलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ जेंट्स वाले में, लेफ्ट साइड में जो है जेंट्स का है। ये एरिया पड़ता है तुमामा, इधर बगल में ही नेशनल हाईवे है दम्माम और मक्का। यहाँ से निकलने में मुझे तकरीबन जो है 12 बज जाएगा, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। 12 बजे के बाद ही ये लोग यहाँ से निकलती हैं। और ये इस तरह दूसरा इस तरह ये है, ये दूसरे सेट का है और ये वाला दूसरे सेट का है, यानी दूसरे सऊदी का है। तो जिसको जो पसंद रहता है वही ये लोग अपना किराए पे लेते हैं, अरबी में किराए को एजार बोलते हैं। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ जेंट्स वाले में, वहीं पर अपना बैठूँगा चाय कहवा पी। दोस्तों ये वाले इस तरह में जेंट्स लोग की पार्टी है। अभी मैं अंदर गया था चाय कहवा पी के, बाहर आ गया हूँ। अभी मैं कुछ टाइम के बाद दोबारा फिर जाता हूँ उधर, खाना खाने का टाइम होगा तो जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों ये वाइट वाली बिल्ली पालतू बिल्ली है, उधर जंगली बिल्ली को देख के ये डर रही है। उधर गई थी कुछ खाने के लिए लेकिन भाग के इधर आ गई है पालतू बिल्ली, लेकिन कोई ला के छोड़ दिया है, इसलिए ये डर रही है, भाग रही है बेचारी। वाले इस तरह में आया हूँ, ये इसमें जो है बोर्ड में मोबाइल नंबर भी दिए हैं, जिस लोग जिनको किराए पे लेना होता है वो लोग किराए पे लेते हैं टेलीफोन करके। ये मेरी गाड़ी है, ये मैडम की फैमिली में इसको जो है कोई लेडी चलाती है। ये इंडिया की स्विफ्ट डिजायर है, और ये इधर फोर्ड खड़ी है। और ये वाला जो गेट सामने आप लोग को दिख रहा है काला काला गेट, इसी गेट से ये लोग अंदर गई हैं। तरह का बोर्ड लगा हुआ है, बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है शाम के टाइम में। टोटल जिधर दिख रहा है टोटल सारा इस तरह का एरिया ही है। ड्राइवर रहते हैं तो हैं, तो टाइम अच्छी पास हो जाती है, आपस में बातचीत करते रहते हैं। ये दूसरा इस तरह है, ये इधर जो है जिसको जो पसंद रहता है। दोस्तों अभी मैडम ने फ़ोन कर दिया है, मैं जा रहा हूँ गेट पे खाना लेने के लिए, देखता हूँ खाने में क्या क्या मिलता है। ये चावल मुर्गी रहेगा, सलाद रहेगा, और इससे क्या ज़्यादा क्या रहता है, बस यही इनका फेवरेट यही है। दोस्तों मैं खाना लेके आ गया हूँ, मैडम ने खाना दे दिया है। ये मुर्गी है, चावल है, सलाद है, और ये क्या है मुझे खुद भी नहीं पता है इसका नाम। इसमें गाजर सब मिक्स है, वरागेनब है अंगूर के पत्ते की। दोस्तों ये घर मेरे कपिल के भांजे का है, तो उसने फ़ोन किया, बोला सामान यहीं पे ला के दे दो, मैं पहुंचा देता हूँ किचन वाले के यहाँ। दोस्तों अभी मैं बर्तन दे दिया हूँ, बर्तन दे के मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ। दोस्तों इनके यहाँ इस तरह में जब पार्टी रहती है तो पूरा कबीला इनका जो है, यानी ख़ानदान इनका पूरा, सब कोई साथ में मिलकर पार्टी करते हैं। तो खर्चे में जो में बराबर का हिस्सा लगता है, इस तरह के रेंट का, जो खाने का सामान आता है, सब जो बाहर से खाना आता है होटल से उसका हिस्सा लगता है, और बाकी ये लोग अपने घर से भी बना के लेके जाते हैं। ज़्यादातर तो बाहर से ही आता है खाना। दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ खाना खाने। खाना खाने से पहले मैं ये चावल फ्राई कर रहा हूँ, इसमें प्याज है, हरी मिर्ची, टमाटर, और इसमें जो है एक अंडा भी डालेंगे, और ये वाला चावल है, इसी चावल को फ्राई करेंगे, इसमें हल्का सा मसाला भी डाल देंगे। दोस्तों मैं चावल ये अच्छे से फ्राई कर लिया हूँ, अब चल रहा हूँ खाना खाने। दोस्तों छुट्टी के दिन भी ये लोग सुकून से नए रूम में रहने देते हैं भाई। अभी मैं खाना पीना खा के सो रहा था, फ़ोन कर दिए रूम में, जाओ बकाले से सामान लेके आओ, गया बकाले से, इन लोग को सामान ला के दिया। दोस्तों अभी मैं थोड़ा रूम के बाहर निकला हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी भी नहीं है और न तो अभी ठंडी ही चालू हुई है, लेकिन बस मौसम बहुत अच्छा है दिख रहा है। नहीं तो डेली इतना टाइम तो इतना धूप रहती थी कि हम लोग बाहर निकल नहीं पाते थे, ये हाल थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा मौसम है।
दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।